अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके साथ समोसे बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करने जा रही हूँ। इसके अंदर हम स्क्रैच से समोसे का डो बनाएंगे और बिल्कुल जैसे मार्केट के खस्ता समोसे होते हैं उस तरह का बिल्कुल सेम टेक्स्चर और सेम टेस्ट हम लोग घर में कैसे ला सकते हैं उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगी। हम डो भी स्क्रैच से बनाएंगे और जो समोसे की फिलिंग है मैंने इसमें कीमे की फिलिंग करी है, तो उसकी फिलिंग जो जिस तरह से बनती है उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही मैं इनको फ्रीज़र में कैसे आप स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक के लिए, तो उसका तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत स्किप हो जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने समोसे बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है। वेट में अगर आप ये देखें तो 250 ग्राम के करीब 1 पाव मैदा है और उसके अंदर मैंने 1/4 कप के करीब यहाँ पर मैंने घी का ऐड करा है और 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला था और 1 छोटी चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने अजवाइन को क्रश करके हाथों से वो ऐड किया था। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम इस मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह का डो हो जाना चाहिए कि जब आप मुट्ठी में इसको ऐसे लें तो ये बंधना चाहिए। तो अगर इस तरह से नहीं बंध रहा है आपका और बिखर रहा है आटा तो फिर उसमें थोड़ा सा घी आप और ऐड कर लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो बना लेंगे। अच्छा होता क्या है कि हम जो है इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो जो समोसे का जो डो बनता है वो थोड़ा सा टाइट नहीं होता, थोड़ा ढीला सा बन जाता है और उसकी वजह से समोसे जो हैं वो कुक करने के बाद उतने क्रिस्पी नहीं होते। तो हमें अगर खस्ता समोसे चाहिए हैं तो पानी हम बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बस इतना पानी हमें इसके अंदर डालना है कि ये पूरा डो एक साथ सिर्फ बंध पाए, मतलब इसे भी हमें कोई गूंदना वगैरह नहीं है। इसी तरह से ये जितने भी हलवाई वगैरह हैं वो इसी तरह से समोसे का डो प्रिपेयर करते हैं, तो उसको गूंदा नहीं जाता, बस ऐसे इकट्ठा सा कर लीजिए। बस इतना पानी आप इसके अंदर ऐड करेंगे कि ये आपका पूरा का पूरा डो जो है इस तरह से एक शेप ले ले और ये इस तरह से इकट्ठा हो जाए। हम इसे कुछ खास गूंदना नहीं है, मैं फिर से आपके साथ ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप इसे गूंदने बैठेंगे तो ये इस तरह से नहीं गूंदेगा। बस सिर्फ हमें इसे इकट्ठा करना है, इतना ही हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया है। तो ये आधा पौन कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला होगा तो ये पूरा ऐसे इकट्ठा हो गया। अब मैं क्या करूँगी, क्लिंग रैप लूँगी, आप कोई गीला कपड़ा भी ले सकते हैं, उसे इसे ढक के रख दीजिए। ढकने का पॉइंट ये है कि इसके ऊपर ये सूखना नहीं चाहिए, ऊपर की जो लेयर है अगर आप खुला छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगी। तो इस तरह से इसे बहुत अच्छे से कवर कर दीजिए चारों तरफ से और इसको रख दीजिए आधे घंटे के लिए, आधे से पौन घंटे के लिए, 30-40 मिनट के लिए हम इस डो को सेट होने के लिए रख देंगे बस इस तरह से इकट्ठा कर। तो यहाँ मैंने रख दिया। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे तो आपके समोसे जो हैं वो क्रिस्पी से बनेंगे और अगर आप घी डालेंगे इसके डो के अंदर तो आपके समोसे जो हैं बहुत खस्ता बनेंगे। तो खस्ता में और क्रिस्पी होने में, करारे होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपको जो टेक्स्चर पसंद है आप ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग, इतने हमारा डो सेट होगा, हम इसकी फटाफट से फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 2 छोटे छोटे मीडियम साइज़ के अनियंस ले लिए थे मैंने और उनको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक उनको हमने ऑयल के अंदर थोड़ा सा सॉटे कर लिया और साथ ही में मैंने इसके अंदर 1/2 कप के करीब हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, इसे टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है हरी प्याज का। अगर आपके पास है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप बस प्याज ही डाल दीजिएगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर जब ये थोड़ा सा जो हमारे प्याज हैं वो थोड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसलूसेंट से हो गए हैं, तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। तो ये मटन का कीमा है और ये वेट के अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब है और मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और बॉईल मैंने इसे कैसे किया, उसके अंदर सिर्फ नमक ऐड किया था मैंने, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट का 1 चम्मच और बस ये सब और डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसका पानी पूरा खुश कर लिया था। तो कुक्ड है ये, बस इसके अंदर मैंने ऑयल भी नहीं डाला था, सिर्फ ऐसे ही उबाल लिया था पानी में डालकर इस कीमे को, इन सब बेसिक से जो हमारे मसाले होते हैं उनके साथ। और उसके बाद अब हम इसे भूनेंगे इन प्याज़ों में। तो हमने पहले प्याज़ों को सॉटे कर लिया, फिर हमने इसके अंदर अपना कीमा ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुटी हुई काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं 1 चाय का चम्मच और साथ ही में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मैंने वैसे कीमे को बॉईल करते हुए सॉल्ट ऐड किया था बट वो थोड़ा कम था और मैंने बाकी में प्याज वगैरह भी ऐड किया उसके हिसाब से थोड़ा सा और सॉल्ट डाला। गर्म मसाला जाएगा इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच और साथ ही में हरी मिर्चें, कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 डाली हैं, आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 1/2 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
तो ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ मिनटों के लिए हम इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमारा कीमा कुक तो है बट भुना हुआ नहीं है, तो उसका फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। थोड़ी सी हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट, मतलब तेज़ हीट के ऊपर, हल्की आँच पर मत छोड़िए क्योंकि कुकड है, फिर बाकी चीज़ें अपना पानी छोड़ देंगे, तो इसे हाई हीट पर ही फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस, तो थोड़ा ये इससे जो हमारी फिलिंग है काफ़ी चटपटी और थोड़ी सी हल्का सा टैंगी फ्लेवर भी आता है, और मिर्चों से और थोड़ा और बाकी मसालों से इसका चटपटापन आता है, तो बहुत अच्छी सी फिलिंग बनती है। तो लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो वाइट विनेगर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं 1 चम्मच, तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए इसमें डाल देंगे और वो सारे टेस्ट को बैलेंस कर देगा, बहुत ही इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो हम इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया, बस इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं, इसमें बिल्कुल ये देखना है कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल हमारा जो कीमा है फिलिंग के लिए खुश्क होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इतने हमारा वो कीमा ठंडा हो रहा है, अब हमारा देखिए इतनी देर में हमारा जो ये डो है ये भी सेट हो गया है, ये देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। देखिए पहले कितना ज़्यादा मुश्किल से बंध रहा था, मतलब टूट रहा था बार बार, लेकिन अब इसको मैंने आधे घंटे से मतलब 30 मिनट से 35 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था सेट होने के लिए, तो अभी बहुत थोड़ा सॉफ्ट हो गया और बहुत ही हैंडल ईजिली हो रहा है। तो ये देखिए अब मैं इसके पेड़े तोड़ लूँगी इस तरह से। आप जो मैंने ये अराउंड 12 के करीब 10 से 12 पेड़े बन गए थे इसके, तो मैं थोड़े छोटे साइज़ के समोसे बना रही हूँ, मतलब बड़े वाले साइज़ के नहीं बना रही हूँ। तो अगर आप छोटे साइज़ के समोसे बना रहे हैं तो क्योंकि एक पेड़े में से 2 समोसों की पट्टी बनती है, तो मैंने ये 12 बना लिए थे, तो अराउंड इसमें 24 समोसे बनेंगे। तो अगर आपको थोड़े बड़े साइज़ के बनाने हैं, जैसे कि बड़े साइज़ के मार्केट में मिलते हैं जो आलू के समोसे भी मिलते हैं, उस साइज़ के अगर आपको बनाने हैं तो इतने डो में आप 6 पेड़े बनाइएगा, इसके 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, मैंने 12 में कर लिया है। अब देखिए इसको हमें बेलना है, पहले हम इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से, थोड़ा सा जोर लगाकर इसे बेलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो आटा है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से राउंड शेप दे दी है और अब मैं इसको थोड़ा सा ओवल, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगी, तो हमें थोड़ा सा इसे ओवल शेप देनी है। पहले राउंड करेंगे ताकि चारों तरफ से इक्वली जो है वो हमारा डो की जो पेड़ा है वो इक्वली बढ़े भी और वो मतलब कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो, और उसके बाद हम उसे इस तरह से ओवल शेप दे देंगे। तो यहाँ पर ये ओवल शेप हो गई और अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। तो आप इसे मोड़ के भी देख सकते हैं और लाइन निशान बना के फिर भी काट सकते हैं या फिर अंदाजे से काट लीजिए। तो इस तरह से हम इन सब पट्टियों को इस तरह से बना लेंगे, पेड़ों को इस तरह से बेल के, और इसको ढक के रखेंगे। इसको ढक के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना ये सूख जाएगा, क्योंकि वैसे ही इसके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत कम है। तो अगर आपने इसे थोड़ी देर के लिए भी 5-6 मिनट के लिए भी अगर ये पेड़े या फिर आपकी पट्टियाँ खुली रह गई तो फिर ये सूखने लग जाएंगे और आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे, उनके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाएगी जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और फिर वो आपका वो टेक्सचर भी अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से देखिए राउंड किया फिर ओवल किया, एक बार और देख लीजिए इसको, और सेंटर से हमने इसे कट कर दिया और इस तरह से हमने ये बना ली पट्टी और इसको ढक के रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारी पट्टियाँ जो थी इसकी बना ली थी, तो ये एग्जैक्टली 24 बनी थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी समोसे की पट्टियाँ सब बन गई हैं और देखिए कितनी सॉफ्ट हैं, इनको ढक के रखने की वजह से इनके ऊपर कोई पपड़ी वगैरह कुछ सूखी नहीं है, ये अभी भी हम इसे ढककर ही रखेंगे, हम लास्ट प्रोसेस तक इसको ढक के ही रखेंगे, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लेते हैं अपनी समोसे की फिलिंग, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ रख ली हैं, समोसे की फिलिंग ले आई हूँ, ये पट्टियाँ हैं और हमारा थोड़ा सा हमें एक बोल के अंदर चाहिए होगा पानी, प्लेन वाटर चाहिए इसको चिपकाने के लिए। तो यहाँ से हम एक पट्टी निकालेंगे ये और इसको इस तरह से हाथ पे रखेंगे और इसके चारों तरफ जो है हम थोड़ा सा वाटर लगा लेंगे ऐसे। तो देखते रहिए इसको किस तरह से करना है हमें फोल्ड। तो यहाँ पे हमने इसे डी शेप में पानी लगा लिया और अब इस तरह से जो उसके साइड्स के एजेस हैं उनको इस तरह से थोड़ा सा अंगूठे की मदद से चिपका देंगे, तो ये बहुत आसानी से चिपक जाती है, हल्का सा पानी लगते ही चिपक जाती है। तो अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे फिलिंग मैंने ली है 1.5 चम्मच के करीब, 1 चम्मच थोड़ी सी और डाल दी थी, बहुत ज़्यादा ओवर फिल मत करिएगा, इतनी काफ़ी है फिलिंग। थोड़ा सा समोसे का पार्ट जो है वो खाली भी रहना चाहिए क्योंकि उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फ्राई करते हुए फिलिंग जो है बाहर निकलती भी नहीं है। अब इसको हम इस तरह से दबा दबा के इस वाली साइड से भी अच्छे से सील कर देंगे, इसको सील करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सील करने पे ध्यान दीजिएगा, दबा दबा के इस तरह से सील कर लीजिएगा। और अब ये देखिए हमारा समोसा जो है वो रेडी है। तो देखिए ये इस साइज़ के समोसे बने थे,
थोड़े छोटे साइज़ के, और ये इफ्तारी के लिए, क्योंकि मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तो बहुत ज़्यादा जो पोर्शन साइज़ है इफ्तारी में फ्राइड चीज़ों का, छोटा रखना ज़रा बेहतर रहता है। बड़े बड़े समोसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, बट हमारे घर में इसी तरह से प्रेफर किया जाता है, तो मैंने थोड़े छोटे साइज़ के बनाए हैं। तो बाइट साइज़ समझ लीजिए आप इन्हें, बाइट साइज़ से तो थोड़े बड़े हैं, तो अगर आपको बड़े बनाने हैं तो फिर आप वही रूल फॉलो करिएगा कि आप इसके 6 पेड़े बनाइएगा, पूरे आटे के 6 पेड़े बनाइएगा। मैंने इस साइज़ के लिए 12 पेड़े बनाए थे। तो चलिए एक बार और देख लीजिए फिलिंग कैसे किया है मैंने। 1 से 1.5 चम्मच हम मैंने इसके अंदर स्टफिंग डाली, पानी लगाया और इस तरह से एजेस को अच्छे से सील कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो समोसा है परफेक्ट शेप का एकदम बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से अब हम सारे समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे समोसे बना लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको ढक के रखना है। मैं आपको दिखाने के लिए 1 मिनट के लिए इसे खोल रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये सब बन गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह से ट्रे के अंदर ही फिलहाल ढक देंगे, और ढक कर इनको फ्रीज़र में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप इसे फ्रीज़र से बाहर निकालिएगा ट्रे को, तो ये हार्ड हो जाएंगे। फिर आप इन्हें किसी जिप लॉक बैग के अंदर रख के सील करके अंदर रख सकते हैं, किसी डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर थोड़ा लंबा टाइम के लिए स्टोर करने के लिए। तो आपको पहले इसे 1 से 2 घंटे के लिए, तब तक कि सख्त ना हो जाए तब तक आप इनको इसी तरह ट्रे में अंदर रख दीजिएगा फ्रीज़र में कवर करके, और उसके बाद उन्हें निकाल के अपने जिप लॉक बैग में कर लीजिएगा। आप देखिए बाकी के कुछ समोसे मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, मीडियम हाई होना चाहिए डालते वक्त, और उसके बाद उसको आँच को हल्का कर दीजिएगा, और 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल उनको टच मत करिएगा समोसों को। और इस तरह से उसके बाद आप इन्हें 2-3 मिनट के बाद आप इन्हें टर्न, अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। 2-3 मिनट के बाद आप इन्हें अलट पलट करके दोनों साइड से खूब अच्छे से गोल्डन कलर का सेक लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हैं, और ये मैंने रोज़े के फर्स्ट वाले दिन, फर्स्ट रमज़ान वाले दिन बनाए थे, और ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो अभी यहाँ पर हमारे यहाँ अभी इफ्तारी का टाइम में ऑलमोस्ट अभी 2 घंटे थे, लेकिन मैंने पहले से ही, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, तो बहुत अच्छे बने थे। बाद में मैंने इन्हें अवन में गर्म कर लिया था, तो कोई इशू नहीं, आप पहले से बना के रख लीजिए, और इफ्तारी के टाइम से थोड़ा सा पहले बिल्कुल फ्री हो जाया करिए, और उसके बाद थोड़ा उस टाइम में दुआएँ भी बहुत कबूल होती हैं, तो उस टाइम में बैठ के दुआ मांगिए, अपने अस्कार करिए और जिक्र करिए, और किचन से बिल्कुल आप उस टाइम के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए कि किचन में नहीं जाना है कम से कम इफ्तारी से आधा पौन घंटे पहले। तो आई होप आप सबके रमज़ान भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे, और मुझे भी अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।